गोवा माइनिंग पीपल फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 गोवा माइनिंग पीपल फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद। चालू करो भाई, चालू करो गोवा माइनिंग, चालू करो, चालू करो भाई, चालू करो गोवा माइनिंग, चालू करो, चालू करो भाई, चालू करो गोवा माइनिंग, चालू करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जैसे हमारे सेवा दल के अध्यक्ष शंकर राव जी ने बताया, मैं हाल ही में मुझे ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल का जिम्मेदारी राहुल जी ने दिया और गोवा का इंचार्ज और प्रभारी बना। और मेरा जब पहला विजिट था तभी मैं आप लोगों को देखा, यहाँ पे आप लोग बैठे थे, कुछ लोग थे, तो मैंने शंकर राव जी को कहा कि पहला जो इश्यू हम गोवा में लेंगे वो कोई और नहीं लेंगे बगैर ये माइनिंग वर्करों का लेंगे। तकलीफ ये नहीं है, अमीर आदमी अमीर बने, मुकेश अंबानी 10,000 करोड़ के घर में रहे, अदानी का पैसा 4 साल में 4 गुना बने, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। मगर आम आदमी को नौकरी मिलना चाहिए, उसको हक, उसका घर हक का खाना मिलना चाहिए, उनके बच्चे स्कूल और कॉलेजों में जाना चाहिए। देश में क्योंकि किसान ज्यादा, किसान को आप भरपाई देते हो, आप फिशरमैन्स को देते हो, तो ये वर्करों का जॉब गलत गवर्नमेंट की पॉलिसी से हुआ है, इसलिए आप लोग भी वो भरपाई का हकदार है। और कलेक्टर साहब के बाद हम ये निवेदन करेंगे कि जो 18 महीने से आप लोग का जो भी नुकसान है वो आप लोगों को भरपाई देना चाहिए और आगे 1 महीने के अंदर देना चाहिए। आज आपके जो यूनियन के लीडर्स मिले, हमारे बड़े भाई साहब मिले, उन्होंने बहुत सारा चीज हमें बताया। प्रश्न ये है कि कितने दिन तक हम लोग इस तरह अनशन करें, किस तरह हम शांति से इतने दिन हम अनशन करेंगे। सरकार को, पुलिस को, कलेक्ट्रेट के ऑफिसर्स को, सबको पता है महात्मा गांधी जी का कल जयंती है। महात्मा गांधी जी ने इंग्लिश में एक स्लोगन कहा था, डोंट टॉक इन एथिक्स इन फ्रंट ऑफ एम्प्टी स्टमक। इसका मतलब यह है कि जो भूखा पेट है उसके सामने तुम सही क्या है गलत है बताओ मत, पहले उसको खाना दो, बाद में आप उसको बोलो। तो आज हमारा जो हालत है वैसा है। गोवा गवर्नमेंट को, मुख्यमंत्री को, कलेक्टर को ये आह्वान देता हूं कि इस मामले को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, इनको इनका हक का नौकरी दीजिए, और तीसरा जो इनका कॉम्पनसेशन है वो आप क्लियर कीजिए। मुझे बताया गया है 5 तारीख को बहुत ही बड़ा आंदोलन, बहुत ही बड़ा अनशन यहाँ पे होगा। मैं खुद कल बॉम्बे जाऊंगा, मगर मैं 5 तारीख के लिए आपके लिए आप वापिस आऊंगा और उस अनशन के साथ दूंगा। और जब तक आप यहाँ पे कार्यक्रम जमीन पे उतरेंगे, राकेश शेट्टी पूरा कांग्रेस सेवा दल आपका साथ देगा। और जब तक ये माइनिंग इंडस्ट्री वापिस शुरू नहीं होता, जब तक मेरे वर्कर्स भाइयों को काम नहीं मिलता, तब तक मैं रुकूंगा नहीं और इसी तरह आपका साथ देके ये चालू करा के देता हूँ, ये वादा करता हूँ। आप ये माइनिंग वर्करों को कमजोर मत समझो। आज हमारे पास पेशेंट है, इसलिए 2 महीने से हम लोग चुपचाप यहाँ पे बैठ के अनशन कर रहे, खुद को तकलीफ ले रहे बट बाहर तकलीफ नहीं दे रहे। मैं आप लोग के माध्यम से, आज ये फेसबुक चल रहा है, मीडिया चल रहा है, इनके माध्यम से गोवा सरकार को ये बता देना चाहता हूं कि आप हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। हम गांधीवादी लोग हैं, हम लोग गांधी जी को मानते हैं, उनका विचारधारा से चलना चाहते हैं, मगर आगे अगर 1 महीने के अंदर इस गोवा में माइनिंग आपने शुरू नहीं किया तो इस आंदोलन को तेज करेगा। और आज जो हमने 1 दिन का उपाचन किया है वो निश्चित काल तक करेंगे जब तक हमारी मृत्यु नहीं होगी। जवर जवर 3 लाख लोग इफेक्ट जला, डायरेक्ट 60,000 लोग इफेक्ट जला, नौकरी गला, इनकम अकस्मत बंद जला, तक सगले भाव गला 90 दीस हंगा बसता, तेज भाई सावडे दारबांडे आनी बसता बिचोले साकडे इनकडे बसता, तुम्ही सद्दा हंगा बसता, सरकाराकडे मागणी दिता, सरकारही तितले सिरियस ना सो दिसता पळयत जाल्यार। आनी तुमचे हे मायनींग बेगीन सुरू जावचे, सगळे गोंयकारांक परत एम्प्लॉयमेंट मेळचो,
आणि 16 मार्चाच्यान जे तुमचं काम बंद केला त्या दिसाच्यान तुमचं कॉम्पेन्सेशन सरकारान करचे ही मागणी करपाक लागून तुमकां सपोर्ट दिवपाक आज आमी हांगा सकाळच्यान उपाशी बसल्यात.